ये बात तो सभी जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य और शक्ति के लिए प्रतिदिन दूध पीना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष में दूध के भी कई उपाय बताए गए हैं। माना जाता है कि इन उपायों से बुरा समय दूर हो सकता है और दरिद्रता से मुक्ति पाई जा सकती है, घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ सकती है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं को दूध भी विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। दूध का उपयोग पंचामृत में भी एक अमृत के रूप में किया जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या उपाय है। शास्त्रों के अनुसार पितृ देवता की कृपा से बिना किसी भी व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। पितृ देवता की तृप्ति के लिए व्यक्ति को हिंदी पंचांग के अनुसार हर महा अमावस से पहले आने वाली चतुर्दशी पर बरगद या पीपल को दूध अर्पित करना चाहिए। इस उपाय से पितृ देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय माह में एक बार किया जा सकता है। जीवन में क्यों आती हैं परेशानियां? कुछ लोगों को कड़ी मेहनत के बाद भी पर्याप्त धन प्राप्त नहीं हो पाता है। इस संबंध में ज्योतिष में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह दोष हो तो व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, धन अभाव का सामना करना पड़ता है। कुंडली के अशुभ ग्रहों का उपचार कर लिया जाए तो बुरा समय टल सकता है। यहाँ जो उपाय बताए जा रहे हैं उनसे कुंडली के दोष दूर होते हैं और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट। ओम।